हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल रीड पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बहुत सिंपल लॉ है। क्या बोलता है? इफ अ नंबर ऑफ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द साइड ऑफ पॉलीगन टेकन इन द सेम ऑर्डर, मतलब मान लीजिए आपका वेक्टर ए छोटा ए है, ये आपका वेक्टर छोटा बी है, ये आपका वेक्टर छोटा सी है, ये आपका वेक्टर छोटा डी है, then the resultant is represented by the closing side of the polygon taken in opposite order। तो ये आपका resultant होगा, resultant r। मुझे r की value निकालनी है, बहुत easy है। ये देखो, यहाँ triangle बन जाएगा, ये a b इसको ऐसे join कर दो, तो यहाँ resultant कितना आएगा? ये वाला vector a plus vector b। फिर से ये और ये join कर दो। अब देखो, ये इधर है, ये इधर है, ये ट्रायंगल फॉर्म करेगा, तो ये वाला जो रिजल्टेंट ये कितना आएगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। अब ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, इन दोनों काट रहे, तो आपका रिजल्टेंट कितना आएगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। This is polygon law of vector addition। इसको मैं न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, तो ज्यादा इजी रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।